friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is World Heritage. तो World Heritage का मतलब है वैश्विक धरोहर या विरासत। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक देश की कुछ ऐसी परंपराएं होती है, कुछ ऐसी संस्कृति होती है या कुछ स्थानों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो चिरकालिक होती है और वे सारी चीजें उस देश के साथ साथ दुनिया के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है तो उसे ही कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज, वैश्विक विरासत। तो इस लेसन की शुरुआत करने से पहले हमें यूनेस्को के बारे में जानना है। तो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसमें तकरीबन 195 देश सदस्य बने हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लोगों के दिमाग के अंदर शांति बनानी थी, बनानी है और बनानी होगी, और यह काम तभी होगा जब हर एक राष्ट्र एक साथ आके एक दूसरे को शिक्षा के, विज्ञान के तथा संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे, और यही उद्देश्य इस एजेंसी का है। तो इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ और 1946 से भारत भी यूनेस्को का सदस्य है। तो यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता रहता है। वह साक्षरता को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के संरक्षण में भी सहयोग करता है। तो हम में से बहुत लोग जब घूमने के लिए निकलते तो वह जगह चुनते हैं जो प्राकृतिक है, ऐतिहासिक है या सांस्कृतिक है, मतलब एक ऐसी साइट जिसके अंदर कोई खूबी है जो हमें पसंद होती है। लेकिन जैसे ही समय गुजरता है कुछ सालों बाद उस साइट की वह खूबी नष्ट हो जाती है क्योंकि शायद वह देश उन साइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता जहां पे वे थी। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा होगा तो हमें डेफिनेटली बुरा लगेगा क्योंकि उस साइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। पर जब कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है तब उस साइट के साथ ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता ये आज लेसन में हम देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब वैश्विक विरासत स्थल एक ऐसा स्थल होता है जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वह साइट मानवता के लिए मतलब इंसानों के लिए सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे साइट्स को, स्थलों को इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा संरक्षित किया जाता है, संभाला जाता है, जो प्रोग्राम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा चलाया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में तो हमने पढ़ लिया और वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसी साइट्स होती है जो सांस्कृतिक रूप से या फिर प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। ऐसी साइट्स टाइप में अलग अलग होती है जिनमें जंगलों का, तालाबों का, स्मारकों का, इमारतों का या शहरों का समावेश होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सांस्कृतिक और प्राकृतिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन सम्मिश्रण हो सकता है, मतलब एक ही साइट में यह दोनों गुण भी हो सकते हैं। इसका उदाहरण अगर देखें तो चीन का माउंट वांगशन यह एक ऐसी जगह है जो इंसानी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह ने ऐतिहासिक चीनी कला और उनके साहित्य में अपनी भूमिका निभाई है और वह पर्वत अपनी भौतिक रचना की विशेषताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, मतलब उसकी रचना अलग होगी, और इसीलिए यह स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में तीन तरह की साइट्स होती है, एक है कल्चरल, दूसरी है नेचुरल और तीसरी है मिक्स्ड। तो आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वैश्विक विरासत स्थलों का इतिहास। हालांकि दुनिया भर में जितने भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थल थे उनकी रक्षा करने का विचार 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही शुरू हुआ, लेकिन 1950 के दशक तक इसकी वास्तविक रचना को गति नहीं मिली, मतलब 1950 तक उन्हें बस बचाने का ही विचार किया जा रहा था, पर अब तक किसी भी स्थल को नष्ट होने से बचाया नहीं गया था। तो देखते हैं इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई। 1954 में इजिप्ट ने उनके नाइल नदी से पानी इकट्ठा करने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए आसवान हाई डैम को निर्माण करने की योजना शुरू की। डैम के निर्माण के शुरुआती योजना में वहां की जो घाटी थी उसमें पानी भरने वाला था
जिस घाटी में मौजूद अबू सिंबल के मंदिर और ढेर सारी प्राचीन इजिप्ट की कलाकृतियां डूबने वाली थी। तो उन मंदिरों की और कलाकृतियों की रक्षा करने के लिए यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, जिसमें उन मंदिर के भागों को अलग करके निकालना था और ऊंची जगह पे स्थानांतरित करना था। और इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित जो खर्चा आने वाला था वो तकरीबन 80 मिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें 40 मिलियन डॉलर्स की मदद अलग अलग देशों से आई। मतलब मान लीजिए कि आधा काम हो गया। तो आगे इस प्रोजेक्ट की सफलता के कारण यूनेस्को और द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इन दोनों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक तरह के एग्रीमेंट का ढांचा बनाने की कोशिश की। तो उन्हें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। तो यूनेस्को तो पता है आपको क्या है, तो देखते हैं द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स क्या है। तो यह एक ऐसा संगठन है जो विश्वव्यापी सांस्कृतिक धरोहरों के सुरक्षा और संरक्षा के हेतु कार्यरत है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। तो आज अगर देखा जाए तो यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में सलाह देता है। इसके तुरंत बाद 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट की मांग की, एक ऐसी ट्रस्ट जो दुनिया के ना केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करेगी बल्कि दुनिया के महत्वपूर्ण प्राकृतिक और दर्शनीय स्थलों की भी रक्षा करेगी। मतलब वहां पे एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट की मांग की गई। अंत में 1968 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस संस्था ने भी समान लक्ष्य को आगे रखा, विकसित किया, और उन्हें यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन में जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, वहां पे उन गोल्स को उनके सामने प्रस्तुत किया। तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये क्या है देखते। तो 2008 तक इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता था। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में हुई। तो इसका उद्देश्य यह है कि प्रकृति की गुणवत्ता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के देशों को प्रभावित करना, प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना है। तो इन गोल्स के प्रस्तुति के बाद जो कन्वेंशन, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट जो दुनिया के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संबंधित था, उसे यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में 16 नवंबर 1972 को अपनाया गया। तो वह यूनेस्को की 17वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी जो पेरिस में हुई थी। देखते आगे क्या है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, मतलब विश्व धरोहर समिति। आज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यह मुख्य ग्रुप है जो कौन सी साइट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए इसके लिए जिम्मेदार है। कौन से साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है यह लोग डिसाइड करते हैं। तो इस कमेटी की शुरुआत की गई थी 1976 में। तो यह कमेटी साल में एक बार मिलती है और इसमें 21 स्टेट पार्टीज के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के जनरल असेंबली द्वारा 6 सालों के लिए चुना जाता है। तो स्टेट पार्टीज का मतलब है कंट्रीज। तो अब तक मिले रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पे 194 स्टेट पार्टीज है। तो वे स्टेट पार्टीज होती है अपने क्षेत्र के भीतर नए साइट्स को पहचानना और उन्हें नामांकित करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, जिससे उन साइट्स को आगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजा जा सके। सो स्टूडेंट्स, लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसे हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड पार्ट सेकेंड विल ऑल्सो कम सून। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडिंग। बाय बाय।